हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। आज मैं इस वीडियो में एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अभी जैसे कलकत्ता वाला केस हुआ और उसके बाद तो बहुत सारे केस सुनने को मिले हैं, डॉक्टर के, नर्सिंग स्टाफ के, और वैसे भी आम जनता के साथ भी कितना कुछ होता है ना। तो अब तो सबको पता है कि सिचुएशन क्या चल रही है, और जहाँ तक मुझे जहाँ तक लगता है कि जो हम कैंडल्स लेके चल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, शायद इन सब से कुछ होना जाना नहीं है। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहले भी बहुत सारे केसेस ऐसे हुए, निर्भया का हुआ और भी काफ़ी हुए, खूब मतलब वो चीज़ें उठाई गई, जनता खूब आगे आई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो देखो, जब तक सरकार कोई ऐसा कानून ना ले आए कि गलत काम करने वालों की रूह कांप जाए, मतलब गलत करने की सोचने से ही रूह कांप जाए, वो 1000 बार या लाख बार सोचे कि करूं कि नहीं, करा तो कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, खड़ा गया तो। जब ऐसा कोई कानून आएगा ना, तभी कुछ हो सकता है। तब तक तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये चीजें रुक जाए, और ना ही मुझे लगता कि उनको कुछ ऐसी सजा मिलने वाली है। और जब तक बहुत तगड़े वाली या कुछ ऐसी सजा नहीं बनेगी ना ऐसे लोगों के लिए, ये केसेस ऐसे ही चलते रहेंगे। और इस चीज को, लेकिन वही है, अब ऐसा हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते हैं, तो हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी कि न्याय मिले, जो गलत कर रहे हैं उनको सजा मिले। तो ऑब्वियसली कोशिश करनी है, सभी लोग अपने स्टेटस स्टोरी में भी शेयर करते रहो, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, किसी ना किसी का तो माइंडसेट चेंज होगा ना। 1%, 0.5%, 0.1%, कुछ तो चेंज होगा। क्या पता वो 0.1% थोड़ा माइंडसेट किसी का चेंज होके कुछ पॉजिटिव की तरफ कोई बंदा चलने लगे। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत इम्पैक्ट डालती है लोगों पर कि आप क्या स्टेटस, क्या स्टोरी लगाते हो। तो आप ये चीज़ें शेयर करते रहो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर सब शांत बैठ जाएंगे तो भाई क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो गलती के खिलाफ आवाज़ उठाओ, गलत करो मत, गलत रहो मत। और मैं ये कहना चाहूँगी लड़कियों को, बी स्ट्रोंग। पर लड़कियाँ भी कितनी स्ट्रोंग बनेंगी भाई, अपने घरों में कोई लड़कियाँ सेफ नहीं है। 6 साल की लड़की बच्ची है, 6 महीने की बच्ची है, एक आज मैंने न्यूज़ पढ़ी, क्या स्ट्रोंग बनेगी वो, कैसे स्ट्रोंग बनाए हम उसको। कोई कह देता है कपड़े पहने थे, वो पहने थे, यार वो मेडिकल लाइन में है, वो डॉक्टर के साथ ऐसा हो गया। 6 साल की, 6 महीने की बच्ची क्या पहनेगी वो साड़ी, मतलब समझ नहीं आता मुझे माइंडसेट। एक न्यूज मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ी थी कि 70-72 साल की आंटी जी के साथ रेप हुआ है। क्या है दिमाग उन लोगों का, मेरे को तो समझ में नहीं आता। तो भाई गलत के खिलाफ आवाज उठाओ, अगर 100% कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा, तो 1%, 50%, 30% कुछ तो आएगा, कुछ चेंज जो आएगा वो, उससे कुछ लड़कियां तो एटलीस्ट सुरक्षित होंगी, ठीक है। तो आवाज जरूर उठाओ गलत के खिलाफ, गलत करो मत, गलत सहो मत, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, लड़कियों को स्ट्रोंग बनाओ, और लड़कों सुधर जाओ, सुधर जाओ। और जो लड़कों की इतनी हिम्मत होती है, ऐसा तो है लेकिन ये पेरेंट्स को बिल्कुल ही खबर ना होती हो, तो अपने बच्चों को सुधार लो। पता नहीं कौन सा जन्म का, कब, कहाँ, क्या, किसको मिलेगा। तो सुधर जाओ, सुधार लो, जिसको पता है कोई गलत है सुधार लो, जब वो देगा ना उसका फल, सोच भी नहीं सकते फिर क्या होगा।